हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक से ही होंगे। अपने नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं श्रम मित्राम कैलाश यूट्यूब चैनल। देखिए, जहां पर मैं आया हूं और मैं उनसे बात करूंगा कि ये कौन सा गांव है, कितनी दूरी है। फिलहाल यहां से दूरी हमारी 25-30 किलोमीटर की दूरी पर हूँ मैं, और उनसे पूछता हूँ कि किसके घर पर है, कौन का गाँव है, कौन सा पोस्ट है, कौन सा जिला है। बताइए सर, ग्राम पड़ती है, जिला पीलीभीत, नाम सर्वेश। ठीक है दोस्तों, आज इनके घर में जहाँ पर बच्चे बूढ़े जो कुछ भी वो लैट्रिन पर जाते हैं लैट्रिन करने के लिए, आज उसी लैट्रिन में कोई सांप इन्होंने देखा है। तो दोस्तों, एक खौफ बना हुआ है, तो हमारा एक उद्देश्य है इन जीवों को बचाना, यही हमारा एक उद्देश्य बना हुआ है। क्योंकि कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं जिसको नहीं मालूम है, एक अंधविश्वास है। हमारी टीम जाती है और हर जगह पर एक जागरूक करती है। आज जो हमारे पास ट्रेनर के तौर पर तिलक सिंह के नाम जो लड़का है, वो आज हमारे पर है, यही लड़का हमारे से ट्रेनिंग ले रहा है। तो दोस्तों, जब तक एक कारगर नहीं हो जाता तब तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रेस्क्यू करना आरम्भ कर दो। जैसे आज मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ, तैसे एक इसको पूरी ट्रेनिंग दे के तभी मैं इसे बाहर भेजूंगा अपने तरफ के बहेड़ी के तरफ का रहने वाला है। तो दोस्तों, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि ये बेजुबान जीवों पर हमारी एक रिक्वेस्ट रहती है, आप अपना सहयोग कीजिए, ये जीव जंतु बचा रहे, क्योंकि ये जब बचा रहेगा तो हमारा पर्यावरण सेफ बना रहेगा। तो ठीक, बने रहिए हमारे वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। चलिए देखते हैं। मोस्ट बैनमधारी जो कोबरा सांप है, आज वही बैठा हुआ है। ऊपर वाले का बहुत शुक्र है जो घर परिवार एक सलामत है। ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है जो भारत में मोस्ट बैनमधारी सांप है। इसके काटे जाने से दोस्तों एक अंधविश्वास फैला हुआ है, तो जागरूक करना हमारा एक लक्ष्य यानी उद्देश्य बना हुआ है। बहुत जल्द मैं बाहर लेकर आता हूँ, देखिए सांप कौन सा है। दक्षिण को दक्षिण है जी भाई साहब। हाँ जय देखिए, देखिए दोस्तों, एक कोबरा स्नैक है। चलिए बाहर चलिए। चलिए, मैंने जिस दोस्तों मैंने जो कहा था, आज मैंने हट या एक जागरूक अभियान छेड़ रखा है। हमारा उद्देश्य केवल जागरूक करना है, किसी के दिल को क्षति नहीं पहुंचाना है। और वीडियो मैं इसलिए डालता हूं क्योंकि आपका मनोरंजन भी हो जाता है और जो सांपों से जुड़ी जानकारी एक अंधविश्वास है उसके लिए जागरूक हो सके, यही हमारा एक उद्देश्य बना हुआ। तो दोस्तों, हमारा वीडियो डालने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं वीडियो डाल दूंगा, एक यूट्यूब से मैं पैसे मिलेंगे या मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें इनको भी बचाना है, इंसानों को सांपों से दूर रखना और सांपों को इंसानों से दूर रखना, यही हमारा एक उद्देश्य है। फिलहाल दोस्तों, इसको साइंटेड नाम हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के, देखिए यहाँ पर
छोटे बच्चे हैं क्योंकि पता नहीं किस समय क्या हो जाता। आज बड़ा हादसा होने से टला क्योंकि मेरा उद्देश्य इनको बचाना है, अपना पर्यावरण सेव रखना, यही हमारा एक उद्देश्य है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिग साइज कोबरा है जो देखने में तो बहुत सुंदर है, कि एक कहावत कही है देखन में छोटे लगे घाव करत गंभीर। तो दोस्तों अभी तो ये खेल है, लेकिन ये वाइट अगर जब हो जाता है तो दोस्तों लेने के डेने डाल देता है। फिर भी मेरा एक उद्देश्य है, आप डिस्ट्रिक्ट जाइए, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में केवल दो ही अस्पताल हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट और एक एसके अग्रवाल, आप यहीं उसका ट्रीटमेंट होता है, बाकी कोई अस्पतालों पर ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है क्योंकि इसमें एक न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, और कभी भी अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत आप डिस्ट्रिक्ट जाइए, आप अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी जान जा सकती है। ठीक है दोस्तों, मैं इसे पैक करूंगा। चलिए दोस्तों मैं इसे डिब्बे में पैक करता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने इसे पैक किया है, और थोड़े से भाई साहब से पूछेंगे इसके पकड़ जाने से या इसके जीव जंतु बचाने से कुछ आपको क्या मिला या क्या नहीं? राहत बहुत है ये मान लो। और दोस्तों मेरा एक उद्देश्य है, जो भी जीव जंतु अगर बचाता है तो हमारा उसके तरफ एक तहे दिल से एक सलूट रहता है। जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों मैं इस पर्यावरण में आ चुका हूँ, और मैं अब इस टाइटल को साइंटेड नाम इसका टाइटल है, जिसमें यहाँ पर जो पानी ही पानी है, यहाँ पर दिखाइएगा, यहाँ पर पानी ही पानी है, यहाँ पर मैं इसे रिलीज़ करूँगा और इसके बारे में जानकारी दूँगा। इसके भारतीय नाम कछुआ दे रखा है दोस्तों, इसके काटने से कुछ नहीं होता है, और जब इसे मैंने देखा तो मैंने सोचा कि इसे मैं अच्छी तरीके से अच्छी स्थान पर मैं इसे रिलीज करूँगा। तो दोस्तों देखिए कितना छोटा सा है और बहुत प्यारा सा है, देखिए करीब में देखिए, इसके पाँव बहुत ही तीव्र गति के हैं, बड़े नाखून इसके हैं। तो दोस्तों है। एक अंधविश्वास इसका भी है कि इसे बहुत महंगे पैसे में भी बिकता है, ये गलत है दोस्तों, ये कभी भी ना बिक्री लायक होता ना इसे कोई कुछ होता है, कि हमारा इनको उद्देश्य जीव जंतु को बचाना है। तो और जो मेरे पास इंडियन स्पेक्ट्रिकल्ड कोबरा है, देखिए पंजी मेरे मार दी इसने, पूरे 20 नाखून का है तो दोस्तों 20 नाखून नहीं है, 20 नाखून का है ना। चलिए फिलहाल भी मुझे पहली बार मिला है, ठीक देखिए कितनी तीव्र गति से चला रहा। ठीक इसको मैं यहाँ पर रिलीज करूँगा, इधर लाइएगा। चलिए दोस्तों मैं इसको यहीं पर रिलीज करता हूँ। ये हमारे एक पर्यावरण है, और इन जीवों को ये प्रजाति लुप्त होती जा रही है, लेकिन हमको इनको बचाना है। ठीक है दोस्तों मैं यहीं पर इसे रिलीज कर रहा हूँ, देखिए पूरी फॉलो करो, इधर आओ इधर आओ जा, इधर आओ इधर आओ जा, पर तुम पीछे हटो थोड़ा, थोड़ा पीछे आओ, हटा दीजिए। चलिए दोस्तों मैं इन दोनों सांपों को यहीं पर रिलीज कर रहा हूँ, जो हमारा एक पर्यावरण भी सेफ रहेगा और जीव जंतु भी
सेफ बने रहेंगे। ये दोनों इंडियन स्पेक्टिकल कॉल्ड कोबरा हैं। आज मैंने दो रेस्क्यू किया था जो परसिया गांव से और आमखेड़ा से, इन दोनों सांपों को मैं यहीं पर इसे रिलीज करता हूँ।